देखिए क्वेश्चन है एनडीए 2023 का, क्वेश्चन कह रहा है लेट साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई टू और एक्स वाई लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री वाई। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स वाले एक्सप्रेशन को इस तरफ ले आते हैं और वाई वाले एक्सप्रेशन को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये देखो साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब क्या करो, दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दो, कर दिया। ये देखो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, और इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ वाई प्लस फाइव बाई सिक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद देखो इसको यहां से क्या लिखते हैं, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव बाई सिक्स, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव बाई थ्री, और आपके पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव बाई टू, दोनों को ऐड करो तो ये कितना है 90 और ये 60 है, तो कितना हो गया 150, और टू एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री, और एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर, इसका मतलब वाई इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री वाई, साइन ऑफ थ्री एक्स, थ्री एक्स कर गया तो 225 प्लस साइन ऑफ थ्री वाई कितना किया तो साइन 45। ठीक है, देखो साइन 225 कौन सा क्वाड्रेंट किया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो साइन 180 प्लस 45 माइनस साइन 45, तो माइनस साइन 45 प्लस साइन 45 क्या हो गया जीरो, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू वाई। ठीक है, कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू वाई, बस अब वैल्यू का ध्यान रखो इसमें। ठीक है, ये वैल्यू हम रहने देते हैं क्योंकि ये सॉल्व करने में थोड़ा, कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू वाई, तो वाई को लिख सकते हैं ना क्या 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, तो अब लगा लो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हम लिख लिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन के बराबर, तो इसको क्या कर लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टाइम्स वन माइनस साइन टू एक्स बाई टू लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक्स की जगह आप कितना डालोगे 75, ए साइन साइन 150 ये बन जाएगा, साइन 150 क्या होता है साइन 30 के बराबर ही होता है, साइन 30 कितना होता है 1 बाई टू, ये 1 बाई फोर, 1 माइनस 1 बाई फोर 3 बाई फोर, तो 3 बाई फोर हो गया। अब क्या कर लो रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तब आप देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई रूट टू, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे लिख लो 3 रूट टू बाई फोर कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो एक्स सब्सटीट्यूट करो यहाँ, तो कॉस ये कितना बन जाएगा 30, तो क्या हो गया फाइनली ये 3 रूट 3 बाई फोर टाइम्स कॉस 30 बन जाएगा, कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बाई टू, कॉस 30 रूट 3 बाई टू सही तो है, ये रूट 2 है ना। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनली 3 रूट 6 बाई 8, यही इसका आंसर हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस कदर इसे सॉल्व करना था।